सो यू व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले एपिक्स लेजेंड मोबाइल के बारे में। बहुत दिन से एपिक्स लेजेंड मोबाइल के बारे में बात नहीं हुई, क्योंकि एक फ्रेश कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उसमें ग्लोबल रिलीज डेट निकल के आई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो देखते रहिए, और भी बहुत सारे अपडेट है एपिक्स लेजेंड मोबाइल के बारे में। तो बिना कोई देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली अपडेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपडेट है वो 20 MB का अपडेट है। बेसिकली ये 20 MB का अपडेट है, लेकिन बहुत सारे आदमी को 1 GB तक का भी अपडेट मिला है। बेसिकली ये अपडेट में जो चीज़ें ऐड हुए हैं, वो सबसे पहला तो एक रिलीजन और ऐड हुआ है, वो मेरे को पता नहीं क्या रिलीजन है, मेंशन तो नहीं किया हुआ, ये आप लोग ट्वीट देख लो। और जो बग फिक्स हुआ है एंड हैकर जो है बैंड हुआ है, तो भाई जो एपिक्स लेजेंड है तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। BGMI की तरह तो बिल्कुल नहीं है, जो बीटा में हैकर को बैंड कर रही है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है ये गेम। तो एक रिलीजन ऐड हुआ है, और एक और चीज़ ऐड हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो बीटा है वो April 24th तक चलेगा भाई, तो इसका जो टाइम एक्सटेंड हो चुका है, और जो खेल रहे हो VPN लगा के वो तो भाई पूरा 24th तक खेल सकते हो। तो हम अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एपेक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर ही ऐड हुआ है वो, लेकिन उसके अंदर पहले ही आ चुका था, और वो है वो चैम्पियन ट्रेनिंग अपडेट है, जो कि बेसिकली आपको मिशन करना पड़ता है, और जो मिशन से है उससे रिवॉर्ड मिलता है आपको। जो चैम्पियन ट्रेनिंग का अपडेट एक नया ऐड हो चुका है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एक लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रहा है ग्लोबल रिलीज डेट के बारे में। तो मैं आपको बता देने से, तो जो ग्लोबल रिलीज डेट है वो लीक हो चुका है, जैसे कि आप लोग ये ट्वीट देख सकते हैं। वो ये जो ट्वीट है वो है रोस्ट स्मिथ के बारे में। बेसिकली ये अपने लाइव स्ट्रीम भी की थी, लगभग 1 घंटे का लाइव स्ट्रीम था, और उन्होंने ये बताया और ये ट्वीट भी किया है कि जो एपिक्स लेजेंड मोबाइल का जो ग्लोबल अपडेट है एंड जो चाइनीज़ वर्जन का अपडेट है, दोनों बेसिकली अलग होने वाले। तो जो चाइनीज़ अपडेट है आप लोग पढ़ लेना, जो चाइनीज़ अपडेट है वो 2022 जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक आ सकता है। फिक्स डेट नहीं है, लेकिन आ सकता है। रोस्ट स्मिथ ने लाइव स्ट्रीम में ये बताया और ट्वीट भी किया। तो इससे बेसिकली हम लोग को ये पता चलता है कि एपिक्स लेजेंड मोबाइल बहुत ज़्यादा ही करीब है और आने वाला है, और भाई बहुत गेम का टक्कर होने वाला है, क्योंकि इधर एक पबजी न्यू स्टेट आने वाला है, वो भी लगभग शायद इसी के आसपास आ सकता है, और जो वेरोलेंट मोबाइल है वो भी शायद इसी के आसपास आ सकता है। तो आप लोग बताना मेरे को कैसा न्यूज़ लगा।